सकता है, गाड़ी सामने वाले में टूट सकती है जाके आपकी। ये देखो ये देखो ये देखो, अरे अरे भाई भाई भाई, तुम्हें तो भाई मिल नहीं रहे हमारे, खो गए शायद, उसकी जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी थाने में। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। आज जो हम जा रहे हैं राइडिंग पे, और मेरे साथ है सुमित भाई। ओए सुमित राइडर हमारे साथ थोड़ी है, आज हम जा रहे हैं हेलमेट भाई आ जाओ। तो आज हम जा रहे हैं हेलमेट लेने दशरथपुरी। आपने करोल बाग वाली वीडियो तो देखी होगी, तो आज हम जा रहे हैं दशरथपुरी हेलमेट लेने। तो फटाफट पहुंचते, सारे राइडर तैयार हो चुके हैं, अपने साथ अपनी बुलेट, और सुमित भाई की अपनी पल्सर, और योगेश भाई की अपनी ड्यूक। तो फटाफट चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुका है, चार तो है बज चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस सारे राइडर जो अपने आगे खड़े हैं, और ये जो है भाई अपना हेलमेट ठीक कर रहा है, अपना ब्लॉगिंग का सेटअप कर रहा है, ठीक है। और चलो फटाफट निकल चुके हैं सारे राइडर, चलो भाई चलो। तो बस चले, तो बस निकल चुके हैं राइडर। देखो सारे भाई जो है सब पे हेलमेट है, तो आप हमेशा कहीं पे भी जाओ तो हेलमेट लेकर ही जाओ। लेकिन सुमित के पास सिर्फ हेलमेट नहीं है। तो गाइस क्या कर सकते हैं, इनकी जो है आपको पता है यार, रेसिंग बाइक है अपनी, क्रूजर बाइक है। तो ये बंदे जो है निकल रहे हमसे आगे, हमारे साथ अभी एक बुलेट और आने वाली थी राइडिंग पे, पर वो आ नहीं पाई किसी वजह से। तो कोई नहीं, देखते कभी नेक्स्ट टाइम में ब्लॉग के लिए टाइम मिला तो फिर हम ले आएंगे उसको भी अगली बार से। तो गाइस बस फटाफट देख रहे हैं 40 फुट की रोड। तो गाइस ये देखो बिंदापुर का थाना है मेरे सामने, दिख गया होगा आपको। तो बस एक्चुअली दशरथपुरी में एक शॉप है हेलमेट की, मैंने लास्ट टाइम वहाँ पे भी शॉप पे वीडियो बनाई थी मैंने, अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लें, करोल बाग की वीडियो बनाई थी। तो आज हम जा रहे हैं दशरथपुर में वीडियो बनाने। यार आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, देखो छोटी छोटी टीम राइडरों की निकल चुकी है बस आपके लिए ही। और सुमित भाई जो है वो भी मोटर ब्लॉगिंग चालू करने वाला है, तो उसी के लिए हेलमेट लेने के लिए जा रहे हैं। तो यार इनके जैसे हम कट तो मार नहीं सकते, आपको वीडियो में सब कुछ दिख रहा होगा, हम आपको दिखाने के लिए तो हम पीछे हैं ताकि हम आपको सब कुछ दिखा सकें। हम कट तो ऐसे मार नहीं सकते जैसे ये लोग मार रहे हैं यार, अपनी क्रूजर बाइक है, कट मारने के लिए अपनी बाइक बनी नहीं। तो भाई योगेश भाई तो बिल्कुल नज़र से ओझल ही हो चुके कि कहाँ चले गए, और इनको देखो राइडर को आगे, ये देखो दिख रहे होंगे आपको वीडियो में कट मारते हुए भाई, मतलब हम तो पीछे ही छूट जाएंगे ऐसा लग रहा है, लग रहा है इनको फोन करके बुलाना पड़ेगा भाई। गाइस तेज चलाने को कट मार रहे, मैं भी मार सकता हूँ पर रिस्क नहीं ले सकता हूँ, बुलेट में कट मार रहा है आपको पता है रिस्की हो सकता है बुलेट में। और अभी जट फ्रॉम जो जी की वीडियो तो आपने देखी होगी, उनके साथ क्या हुआ था, मतलब जो इतने बड़े राइडर हो गए इनके साथ हो सकता है, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं राइडिंग इंडस्ट्री में, उनके साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो हम तो यार अभी उनके आगे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, जब किस्मत ख़राब हो तो गाइस कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको जो है पसंद आ रही होगी वीडियो हमारी, हमने जो है फर्स्ट टाइम ऐसी कोशिश करी है जिसमें हम आपको मोटो ब्लॉग भी दे सके, और आपको जो है ये भी दे सके, आपको भंडारा हो रहा है इस पर, भंडारा खाने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलो, मतलब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम आपको पूरी एक मतलब ब्लॉग भी दे रहे हैं और शूट भी दे रहे हैं, मोटो ब्लॉगिंग भी होगी और ब्लॉगिंग भी होगी, सिंपल ब्लॉगिंग भी होगी। तो अभी जो हम रोड पर आ चुके हैं, मेन रोड पे आ चुके हैं, बस सुमित भाई पे हेलमेट नहीं है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हम हेलमेट लेने ही जा रहे हैं, अगर कोई पकड़ेगा भी तो हम बात कर लेंगे। चलो यार तुम्हें पता नहीं हमारी बातचीत कहाँ था कि कोई पकड़ेगा तो हम बात कर लेंगे। तो ये देखो भाई राइडर को, ये देख रहे हो योगेश भाई पीछे कहीं रह गए। तो गाइस वो देखो इनके कट, देखो लीन करते कैसे चला रहे गाड़ी को, ये देखो गाइस, ये है राइडर सुमित राइडर, गाड़ी का नंबर नोट कर लो, बिना हेलमेट की गाड़ी कैसे चला रहे ये। और हमारे एक राइडर कहाँ रह गए, योगेश राइडर। तो गाइस हम वाइजर को क्लोज कर लेते हैं, शायद हवा को आपको जो है साउंड आ रहा होगा, तो उसको वाइजर को हमने क्लोज कर दिया है, रेड लाइट हो चुकी है गाइस, तो ग्रीन लाइट हो चुकी है गाइस। और सुमित भाई गायब भी हो चुके हैं नजर से, अब कहाँ चले गए। तो स्पीड देख सकते हो हमारी स्पीड, इसलिए मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा बढ़िया से, कौन सा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आपको लेना है।
क्योंकि मोटरबोट की सेटअप तो बहुत आता है, नॉर्मल वाले भी आते हैं 400-500 रुपए के, लेकिन वो आपके लिए सेफ्टी इतनी बढ़िया नहीं करते। हमारे पास जो है बढ़िया वाला मोटरबोट की सेटअप है, जिसे हमने 120 की स्पीड पर टेस्ट करा है, जो कि अभी गिरा नहीं था अब तक। तो ये देखो थार जा रही है, ये देखो थार का नंबर 419, क्या प्यारा नंबर है। और अंदर जो बैठा है वो भी उससे बहुत प्यारा है। गाइस लड़की की बात नहीं कर रहा मैं, ड्राइवर की बात कर रहा था, बहुत प्यारी ड्राइवर है। मतलब गाइस यही तो पैसे वाले लोग यार, मतलब 999 नंबर गाड़ी का। और ये अपनी बिंदापुर विधानसभा, थोड़ी द्वारका विधानसभा ही अपना। तो अपने राइडर जो है पीछे रह चुके हैं, राइडर को आगे निकलने देते हैं, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं उनके जैसे राइडिंग करना, ना तो हमारे पास वैसी बाइक है राइडिंग बाइक, और ना फिर वैसा हुनर है कि हम वैसी राइडिंग कर सके। हम इतने बड़े राइडर अभी नहीं हुए हैं। ये राइट हैंड पे दुकान पड़ेगी, राइट हैंड पे इधर शॉप पड़ेगी, आगे थोड़ा आगे जाके ना राइट हैंड पे। तो गाइस बस ये आ चुके हैं अपने दूसरे राइडर, ये निकल गए राइडर आगे ड्यूक वाले। गाइस चैनल को सपोर्ट करो यार, बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना। अरे चढ़ गई। ए, हम भी छोटे को ट्राइडर बन चुके हैं भाइयों के साथ रह के। तो यारी भाई शॉप यारी, तो इंडिकेटर साइड का देखे, बाइक को लगाते साइड में। तो गाइस हम जो है शॉप पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे मैं आना था। मैं शॉप की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक विंक सब कुछ दे दूंगा। तो हम यहाँ पे शॉप पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये कुछ शॉप है, शॉप का एड्रेस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो ये पड़ती है दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास ही पड़ती है शॉप जो है। और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हेलमेट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप आके हेलमेट ले सकते हो। भैया का नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाऊंगा। ये देखो वेगा का हेलमेट है, वेगा का वोल्ट बनी मॉडल है ये। और ये ISI दोनों सर्टिफिकेशन के साथ आता है जो अपने पास है। तो भैया की शॉप के बारे में थोड़ा बता दूंगा, अभी टाइम तो नहीं। एक्चुअली मेरे को वीडियो शूट करनी थी, पर मैं करोलबाग जाके वीडियो शूट करके आ चुका हूँ। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। रेट जो है रेट हम बताएंगे नहीं, वो भैया ही बताएंगे आपको। शॉप पे जब आऊंगे रेट बताएंगे नहीं। भैया आप शॉप का एड्रेस दे दो एक बार। शॉप का एड्रेस? हाँ जी, पूरी जगह बताओ एग्जैक्ट जगह, कोई बंदा बाहर से देख के वीडियो आता है। मेन स्ट्रीट मार्केट, डावरी रोड, डावरी पालम रोड, विजय क्लब। अगर कोई हमारी वीडियो देखकर आएगा उसको डिस्काउंट दूंगा ना बढ़िया सा। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप आगे हेलमेट जो है बाय कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया हेलमेट है। ओरिजिनल बिल मिलेगा भैया इनके साथ आपको? बिल बना के दूंगे तो बिल आपको ओरिजिनल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल मिलेगा, उसका टैक्स पड़ेगा। अच्छा, तो आपका बिल के साथ मिलेगा तो 18% टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप बिना बिल के लेते हो तो आपकी हेलमेट की गारंटी नहीं होगी। तो ये हेलमेट जो है सुमित भाई ने बाय कर लिया, इसका प्राइस हम बताएंगे नहीं। तो गाइस अब जो है सुमित भाई मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप अपना वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में यहाँ से, उसको सेट कर यार। जा भाई आने दे। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, कहीं और भी जाएंगे। पहले गाड़ी की स्पेशल बनाना सुमित भाई की, फटाफट को सेट करते हैं। तो गाइस 4:30 हो गए, अब हम निकल रहे हैं, कल हो चुकी है। और अभी जो है ना अपना आगे ट्यूब है अपनी, उसके आगे जो है अपनी पल्सर NS है, जो कि सुमित भाई से पूछो कहाँ चलना है, पूछो उससे। तो अभी जो है कह रहे हैं पेट्रोल डाल के निकलना है, तो फटाफट यहाँ से निकल पड़े हम। अपनी गाड़ी तो हम लेके जो है निकल रहे हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होगी, और भाई की शॉप मैंने आपको दिखा दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। योगेश जो है गया आगे फोन का कैमरा एंगल चेक करने, इनको मैंने समझा दिया, इन्होंने जो माउंट है ना गलत तरीके से लगा रखा था। और इनके जो माउंट है थोड़े वैसे वाले जो गिर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई, वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जब अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो उसको भी जाके आप देखना, बेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप आपको मिल जाएगा। तो हम निकलते थोड़ी देर में आ सकूँ। तो गाइस गाड़ियाँ जो है निकल चुकी है, भले ही हम इनसे आगे निकल गए फिर भी आपको पता है हम आगे निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, क्योंकि अपनी जो है बुलेट है, ये सारे राइडर बनते हैं भाई हमारे बच्चे, ये इनके साथ राइडिंग करना। तो वो देखो सारे राइडरों की टीम निकल चुकी है आगे, इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं हम।
उम्मीद है आपको जो कैमरा व्यू है जो सही दिख रहा होगा। तो ये देखो भाई भी ब्लॉगिंग जो है चालू कर चुका है, तो हम भी थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करते हैं, हम भी थोड़े राइडर बनने की कोशिश करते हैं। ये देखो बुलेट पे तीन राइडर जा रहे हैं, तो कुछ गाय माता रोड क्रॉस कर रही है। आजा रेस हो जा, आजा आजा रेस हो जा, रेस 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 रेस। तो भाई एक बारी रेस लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई के साथ रेस की कोशिश कर रहे हैं हम, भाई मोटो ब्लॉगिंग करते बारे में धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि अभी नए नए है ना इनका ट्रायल, कि इनका ध्यान हट जाएगा मोटो ब्लॉगिंग पे, मोटो ब्लॉगिंग पे ध्यान लगा रहेगा इनका, इसलिए अभी थोड़ी गाड़ी वाले चला रहे। और अभी कहते कट मारते हुए आ रहे थे, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा ना, कहते कट मारते हुए आ रहे थे भाई राइडर बनते हुए। और ये भाई कहाँ थे, देखो आगे पहुंच गए, हम इनको पीछे देख रहे हैं। ये देख रहे हो हम सोच रखा है, हम उसको ढूंढ रहे कहाँ गया, और वो राइडर देखो पीछे हमारे ऐसे ऐसे भी राइडर है। तो गाइस ये देखो वापस इनकी राइडिंग चालू हो गई, तो ये गौ माता सामने आ गई है। गाइस एक बढ़िया मूवमेंट दिखाऊंगा आपको मैं, एक मिनट बस सबर रखिए आपको, अगर वीडियो में पसंद आ रहा है तो। ये देख रहे हो इनके कट कट देखते रहो बस इनके, मतलब जहां मर्जी गाड़ी को डाल दे रहे हैं ये लोग। गाइस यही साइड रहा, ये देख लो यार, हम तो इनको छू भी नहीं पा रहे, मतलब हम तो इतनी आगे हम इनको छू भी नहीं पा रहे। तो गाइस आप ऐसे कहते मत करना, किसी को तो खास कर हमें जो है सीट चेक करना, इसलिए हम ऐसे चला रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं चलानी गाड़ी। एक बार सीट चेक करो गाइस, एक बार आपको ऐसे गाड़ी को नहीं चलानी है गाइस। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको गाड़ी ऐसे नहीं चलानी, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो गाड़ी सामने वाले में टूट सकती है जाके आपकी। ये देखो ये देखो ये देखो, तो गाइस अभी अपना देख लिया आपने क्या हुआ। ये देखो राइडर को फिर आगे निकल गए हमसे, भैया दूसरे राइडर भी हमसे आगे निकल चुके हैं, मतलब लग ही नहीं रहा इनका पीछा कर पाएंगे आज की डेट पे। तो खासकर कोई बढ़िया बाइक दिलाओ यार, हमें भी सपोर्ट वोट करो, हम भी कोई बढ़िया बाइक लिया यार। गाइस एक कमाल की बात बताऊं, बता दूं भाई वाली बात कमाल की, कि दोनों की बाइक कहां से आई है। तो गाइस दोनों भाई को बाइक जो है दहेज में मिली है, हमें भी दहेज में बाइक चाहिए भाई। एलवी शादे मांग रहे कार जी वगैरह, और हमें चाहिए बिट्टू भाई बाइक कौन सी, हमें ड्यूक चाहिए भाई, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट चाहिए भाई, 390 चाहिए बिट्टू भाई, कह रहे 390 चाहिए भाई, मुझे भी दहेज में 390 चाहिए भाई। तो वो देखो भाई खड़े हुए राइडर अपने, ग्रीन लाइट हो चुकी है गाइस, ज्यादा तो बकवास नहीं कर रहा ना मैं, बैठ दी। ये देखो ट्रैफिक वाले सामने खड़े हुए वो, आ चुके हैं और मरवा लिया और यहाँ मिल गया भाई, और अभी हमारा एक साथी गायब है, कहाँ गया एक साथी हमारा, वो देखो कहीं खड़ा होगा इधर ही, तो कई वीडियो दो। तो गाइस तेल फुल हो चुका है टैंक में अपने, नहीं भाई अपने पास तो पैसा ही नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं करते पैसा कहाँ से आएगा। सुमित भाई की, सुमित भाई ने हेलमेट ले लिया, टैंक भरा लिया, और हेलमेट देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है सुमित भाई की बाइक पे। और अब हम निकल चुके हैं घर, थोड़ा घूमते फिरते हुए जाएंगे घर यार, क्योंकि हमें पता है आप अभी नहीं तो कभी तो सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, हमें जब तक पैसा आएगा जब तक पेट्रोल भरवा लेंगे, हम टैंक फुल करा लेंगे। अभी देख रहे हो तेल ही नहीं यार,
अरे गाड़ी वाला देख लो हजार चला रहा है, इसके आंखों पे हम बांध सकते हैं चाहे तो, ऐसे करके साइड में लगा ली इसने, नहीं लगा तो हम लगवा ही देते, आपको पता ही यार हमारा टोरा कितना बड़ा है, तो हमारे राइडर कहाँ रहेगा। तो ये कैसी रोड है गाइस, तो ये हमारे राइडर भाई आगे निकल चुके हैं, ये दूसरे राइडर भी आ गए अपने, और ये देखो नजारे गाइस, नजारे बिल्कुल ही। तो अपनी स्पीड देखो भाई, स्पीड अपनी 80 टच हो रही है, ये देखो ये देखो ये देखो ड्राइवर्स का भी, ड्राइवर्स को लीन करते हुए गाड़ी, मतलब भाई अभी जो है नए नए मोटो ब्लॉगर बने हैं, तो भाई के पास अभी गोप्रो ओप्रो नहीं है, और भाई जो है फ़ोन से शूटिंग कर रहे हैं अपनी वीडियोस को, तो आप लोग इनको भी सपोर्ट करो, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करो यार, ठीक है। तो ये देखो वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही ना गाइस, या आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, या आप दोनों में से किसी बाइक की जानकारी चाहते हो, हम बाइक के ऊपर वीडियो बना देंगे, कौन सी किसकी कौन सी बाइक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए रुके यहाँ पे, डिसाइड कर रहे हैं कुछ, तो गाइस डिसाइड ही हुआ है, टाइम हो रहा है अपना 4:45, और अब जा रहे हैं घर, तो गाइस थोड़ा हम भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक राइडर हमारे आगे निकल चुके हैं, ये देखो इन राइडरों को कहाँ कहाँ से कट मार के निकल जाता है बीच में से यार, ये तो यमराज की भी बाप हो रहा है। तो गाइस देखो राजस्थान की गाड़ी स्कोडा ऐसे, और यार दिल्ली का ट्रैफिक तो सबको ही पता है, क्या बताए दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। कहाँ चले गए हमारे राइडर, तो एक बारी इन राइडर को हम पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे बस की नहीं यार ऐसे कट मार रहे, कैसे मार पाएंगे ऐसे कट, देखने यार हमारे बस की नहीं ऐसे कट मारना यार बुलेट पे, यो देखो दिख रहे होंगे आपको वीडियो में कैसे कैसे कट मार रहे खतरनाक वाले, लेकिन आप ये सब ट्राई मत करिएगा गाइस प्लीज, एक बार आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्या कह रहे हो क्या करो, हाथ जोड़े नहीं यार, गाड़ी चला रहा हूँ हाथ जोड़ूंगा सामने वाले को ठू जाएगी ना, इसलिए नहीं जोड़ रहा, कभी और जोड़ लूंगा, बता देना याद दिला देना जोड़ दूंगा हाथ, ठीक है, कि आपको ऐसे राइडिंग नहीं करनी है, रश ड्राइविंग नहीं करनी है, ये सारे एक्सपीरियंस ड्राइवर है हम लोग, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं, और जबकि हमें तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जब जट प्रभुजोत जी के साथ ऐसा होता है तो हम तो यार बच्चे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो बिल्कुल ही प्यार से गाड़ी को लगाते हैं साइड में, ग्रीन लाइट ही है अभी भी यार, एक तो एक चीज़ का मजा नहीं यार अपनी बुलेट में जो आवाज़ नहीं है ना, एक होनी चाहिए रॉयल साउंड होनी चाहिए, करो ए जल्दी बुलेट से ज़्यादा तो यार से आवाज़ आ रही है क्या, मज़ेदार आवाज़ आ रही है। लद्दाख फ्लैग लगा रखा है भाई ने गाड़ी में, लेकिन ये नहीं पता कभी लद्दाख गए या नहीं गए, लेकिन हम तो जरूर जाएंगे, ढोल बज रहा है, कहाँ चले गए भाई हमारे साथ सीधे ही गए, तो भाई को देखो कैसे राइडिंग कर रहे हैं कांच पकड़ के हाथों में, यार ये ब्लैक शीशे वाली गाड़ी पुलिस पकड़ती क्यों नहीं, हमें तो समझ नहीं आता, हम पे सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ, जब भी हमारे चलान कट जाते हैं उनके ब्लैक शीशे पूरे यार टोरे ये लगे, पता नहीं इनका क्या सिस्टम है यार, कहाँ तक इनकी बातचीत, इनको टोरे ये लगे, इनको पकड़ती नहीं पुलिस वाली, मतलब ग्रुप राइडिंग आपको कैसी लग रही है एक बार बताया थी, मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था, सडनली ऐसे प्लान बना, एक बार जाके हेलमेट लाना है और थोड़ी बहुत मोटो व्लॉगिंग कर लेंगे सारे भाई, शूट कर लेंगे अपना अपना, तो बस हम निकल पड़े ऐसे ही, कुछ प्लानिंग तो हमारी थी नहीं, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए मुझे कैसा लग रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है तो ऐसी मोटो व्लॉगिंग आपको ग्रुप वाली मिलती रहेगी बीच बीच में, और बाइक के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो ना, चाहे पल्सर के बारे में, चाहे ड्यूक के बारे में, माइलेज वाइलेज कुछ भी, या कौन से मॉडल है कौन सा क्या है, सब कुछ आपको बता दूंगा, अगर कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, शेयर नहीं करोगे क्यों नहीं करूँगी यार, पैसा थोड़ी लग रहा है यार, शेयर तो कर दो। तो गाइस देखो बस नज़ारे देखते रहो यार, दिल्ली में जो राइडिंग के जो मज़े है ना,
अपनी कोई होती स्पोर्ट्स बाइक तो अपन ऐसे कट मार के निकल जाते थे बीच में से। लेकिन अपनी स्पोर्ट्स बाइक तो ऐसे कट अपन मार नहीं सकते यार, वो दूर दूर तक दिख नहीं रहे, कहाँ गायब हो गए, लग रहा है पहुंच चुके हैं, घर पहुंच गए लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ये गोल गोल घुमावदार जलेबी की तरह रास्ते बन रखे हैं यहाँ पे। और ये अपने ऑटो वाले भाई आगे जाते हुए खांसी और खराब से जल्द आराम। ठीक है भाई, खांसी और खराब से लो उसकी गोली खानी, ये लेना है जो लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं भाई मैंने, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हूँ भाई मेरे। अरे अरे भाई, भाई भाई भाई, अरे लग रहा है तो चढ़ाई देंगे भाई गाड़ी आ गया अपनी। और ये भाई अपने एक राइडर महाकाल लिखा हुआ गाड़ी में, लग रहा है इनकी अकाल मृत्यु आ नहीं सकती क्योंकि गाड़ी में महाकाल लिखा हुआ है, इसलिए भाई ने जो है हेलमेट नहीं लगाया था। वो तो दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक कहाँ गायब हो गए हैं, अब लग रहा है घर पहुँच के ही मिलेंगे हमें। तो कोई नहीं, फटाफट से पहुँचते हैं घर, अब टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें शाम को जॉब पर भी जाना है, तो फटाफट से घर पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। बात क्या ही करेंगे यार, वीडियो को एंड ही कर देंगे सीधा घर पहुँच के। आपको भी मज़ा, क्या पता आप बोर होने लग गए हो बार बार वीडियो देख के, एक ही चीज़ दिखा रहा है रोड पर बस, और कुछ तो दिखा नहीं रहा, सामने गाड़ियाँ चल रही है, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, और कुछ तो दिखा नहीं रहा। लेकिन अभी दिखाने के लिए कुछ है नहीं गाइस, बस अभी थोड़ा सपोर्ट करो यार, जब सब कुछ होगा, जब आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे नज़ारे दिखा देंगे ना, आप भी कहूँगा यार ऐसी चीज़ों किसी ने दिखाया नहीं, मतलब इन्वेस्ट करो यार थोड़ा, सब्सक्राइब का बटन दबा के इन्वेस्ट करो चैनल को आप, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है हम बेकार नहीं जान देंगे, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, बस आपको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट हम बेकार नहीं जान देंगे, आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी ना, बस थोड़ा सपोर्ट करो बस आप। तो ये देखो ट्रिपल राइडिंग, गाड़ी नंबर नोट कर लो, ट्रिपल राइडिंग प्लस विदाउट हेलमेट। तो गाइस रेड लाइट आ गए, रेड लाइट चलो भाई ये हो चुकी है अपनी ग्रीन लाइट। बिट्टू भाई भाई फ़ोन करो उनको, पूछो कहाँ है, किसी को फ़ोन करो एक बारी और पूछो कहाँ हो। तो बिट्टू भाई भी इनको फ़ोन कर रहे हैं और देखते हैं कौन कहाँ है, क्या मेरे को तो लग रहा है पहुँच गए होंगे अब तक घर। तो बस हम भी बस पहुँचने वाले हैं, 4 से 5 मिनट में घर पहुँच जाएंगे हम, सीमन जो है पहुँच चुके हैं हम। मतलब इस माउंट को हमने 120 की स्पीड पे चेक करा, इतना प्यारा काम करता है ना, फ़ोन को बिल्कुल सेफ रखता है माउंट जो है ना आपका, थोड़ा महंगा है लेकिन फ़ोन आपका सेफ रखता है माउंट बिल्कुल ही। तो बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं वापस अपने 40 फुट रोड में एंटर हो रहे हैं हम अपने। बिट्टू भाई उनको फ़ोन कर रहे, बिट्टू भाई लगा फ़ोन, कोई भी नहीं उठा रहा, तो दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कोई नहीं, अब हम घर पहुँचते हैं। तुमित वही तो पूछ रहा हूँ। तो गाइस सुमित गायब है, बाकी योगेश चोपड़ा मिल चुका है और अब हम देख रहे हैं कि सुमित अपने कहाँ रह चुके हैं। तो कोई नहीं, हम घर पहुँचते हैं, सुमित उठते हैं, सुमित भाई मिल नहीं रहे हमारे, खो गया शायद, उसकी जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी थाने में। तो कॉल आ चुका है उसका, तो सुमित का फोन आया है। हेलो, कहाँ है, कहाँ पे? अबे हम चालीस फुट पे हैं। अबे अंदर की तरफ है, तू कहाँ है? भिंडी कहाँ बोला जाए, भिंडी कहाँ पे तू है, कहाँ पे ये तोता?
अच्छा तू आजा अंदर अंदर सही आ रहा है हम पीछे थे, हम कह रहे हम कहाँ छुट गए कहाँ छुट गए, मैंने कहा घर पहुंच गए दोनों। अच्छा चल वहीं पे आ गया है भिंडी वाली रोड पे। तो गाइस मिल चुका है हमारा लड़का सुमित जो था गायब हो गया था, तो आगे खड़ा हुआ था वो इधर है यहाँ पे है, तो देखो कहाँ पे है वो देखते हैं। एक राइडर जो हमारे मिस्टेक कहाँ चले गए भाई, राइडर भाई हमारे आगे तो रास्ता बंद है, घूम के ही जाना पड़ेगा लग रहा है। तो बस कांचे काटते हुए चल रही है अपनी गाड़ी। और ये देखिए भाई कहाँ चले गए भाई, राइडर दिख नहीं रहा अपने, वो तो कह रहा है आगे हो लेकिन आगे तो मैं दिख नहीं रहे कहाँ पे हो। तो कोई नहीं भाई कहाँ पे है भाई वो, हाँ पीछे है, चलो ठीक है वो पीछे पीछे आ रहा है। और ये देखो योगेश रुक जा, योगेश रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये आ चुका है अपना अड्डा और यहाँ पे बच्चे कुछ खेलते हुए। तो गाइस 5 बज चुके हैं और सारे राइडर आज के, सुमित भाई ये अपने, योगेश भाई और ये पीछे खड़े अपने बिट्टू भाई, और ये भाई का जो हेलमेट लेकर आया है इसको खोलते एक बारी, भाई ओपन करो। तो भाई जो हेलमेट को ओपन कर रहा है और एक बारी बाइक पे पहन के दिखा दो, बढ़िया था आप स्लिप लेते एक बारी बाइक पे कैसा लग रहा है हेलमेट आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं कोई बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।